हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करेंगे आपका नील बोर एटॉमिक मॉडल। और नील बोर एटॉमिक मॉडल साहब ने क्या क्या इसके बारे में बताया, एटम के बारे में, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, वो सारा बताऊंगा। कल मैंने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के लेक्चर लिया था, वो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके सारे एग्जाम के लिए। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और ये सेशन सारे एग्जाम और सारे जो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सारे लिए इम्पोर्टेंट है, और क्लास 11th 12th के बच्चे भी इसे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। तो नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, इस मॉडल में सबसे पहले नील्स बोर साहब ने बोला कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट किया, और नंबर ऑफ सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल कितना, कहाँ, कैसे कैलकुलेट करना है वो बताया, और कितने मैक्सिमम अमाउंट पे इलेक्ट्रॉन्स को आप रख सकते हैं किसी भी ऑर्बिट में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने एटॉमिक मॉडल जो दिया था नील्स बोर साहब ने, उन्होंने 1913 में दिया था, और इन्होंने सबसे पहले अरेंजमेंट किया था किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट किया था कि के एल एम एन सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उसका फॉर्मूला बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल कितने होंगे, वो भी कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया था। और वो सारे से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो के एल एम एन सेल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, और कितने नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, उन्होंने सेल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया 1 2 3 4। उन्होंने चार सेल का एक्सप्लेनेशन किया, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। और जो सबसे पहला सेल है यहाँ पर, वहां पर मिनिमम एनर्जी होता है, ये आप जान ले। यहाँ पर जो सेल पर होता है वो मिनिमम एनर्जी होता है, और जो लास्ट का सेल है उस पर मैक्सिमम एनर्जी होता है, ये आप ध्यान में रखना। जो यहाँ पे ओरिजिन पे जो सेल है न्यूक्लियस के बगल में, वहां पे मिनिमम एनर्जी होता है, और मैक्सिमम एनर्जी आपका किस सेल में होता है, जो लास्ट सेल होता है उसमें। अब उसके बाद बात करते हैं सेल का नंबर 1 2 3 4 5 कितना भी हो, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रख सकते हैं किसी भी सेल में। तो सबसे पहले उन्होंने फॉर्मूला दिया था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइज इन ऑर्बिट, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n² वेयर n की जगह आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले k सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n = 1, पहला सेल में जो k सेल बोलते हैं उसको फर्स्ट सेल बोलते हैं, n = 1, 1 मैंने पुट किया तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 रह सकते हैं। देखिए इस फॉर्मूला से 2n² तो यहाँ पर 2 × 1² = 2, आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह L सेल में जो सेकेंड सेल होता है n = 2, उसमें देख लीजिए 2 × 2² तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से तो आपका 8, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स L सेल में कितने 8 रह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं M सेल की, तो M सेल में n = 3 तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 × 3² देन 18 इलेक्ट्रॉन्स इसमें रह सकते हैं, और n की वैल्यू n = 4 देन 2 × 4² = 32, तो n में आपका 32 आ जाएगा। तो आप समझ गए आसानी से इससे कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसको एग्जांपल के साथ, और आपको ये समझ में नहीं आया कि नहीं वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो आप याद रखना मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम एनर्जी कहाँ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, और क्यों कोई मेटल कहलाता है, नॉन मेटल कहलाता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज क्यों होते हैं, निगेटिव चार्ज क्यों होते हैं, वो सारे मैं एक्सप्लेन करूंगा। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बारीकी से जानना बहुत जरूरी है कि नील्स बोर एटॉमिक मॉडल उन्होंने 1913 में उन्होंने इस मॉडल को दिया था। तो सबसे पहले सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका 11 है। एटॉमिक नंबर भी आपको ट्रिक्स से याद करवाऊंगा, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसको कैसे कर सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8, 8 × 2 = 10, और 1 बच गया। तो जब भी हम देखते किसी भी मेटल के ऊपर Na+ इसलिए रखाता है क्योंकि उसके लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मैक्सिमम संख्या 1 ही होती है, इसलिए उनको Na+ डोनेट करते हैं, और वो ये किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं अपना इलेक्ट्रॉन। और बात करते हैं फिर मैग्नीशियम का, जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, और 12 एटॉमिक नंबर होने के कारण पहला तो मैक्सिमम सेल 2 हटेगा, उसके बाद फिर सेकेंड में 8 और लास्ट में 2, तो 2 इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण मैग्नीशियम में +2 चार्ज होता है। देन आफ्टर एल्युमिनियम की बात करते हैं, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 और पहला 2 8 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए Al3++ इसलिए हम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज डोनेट करते हैं। अब बात करते हैं कब इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होगा,
वो बात करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन किस सेल में होता है, जब भी याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हमेशा लास्ट सेल, जो लास्ट सेल बचता है जिसमें आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं का शेयरिंग होता है, ये आप ध्यान में रखना। तो सबसे पहले चार से कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स डोनेशन, जब भी चार से फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहे, चार से कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब भी रहे, तो हमेशा डोनेशन की केस आता है। अगर चार से ज्यादा होता है, जैसे कार्बन का चार से कम, कार्बन का चार हो गया, तो चार उसमें शेयरिंग करके वो अपना ऑर्बिट कंप्लीट करता है, ये आप ध्यान में रख लेना। तो सबसे चार से कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स डोनेशन होते हैं, तो सबसे पहले ई डोनेशन कटायंस, तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेशन को बोलते हैं कटायंस, ये याद रखना। बहुत सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं, जब भी आपको पूछे कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन को बोलते हैं कटायन और इलेक्ट्रॉन गेनिंग को बोलते हैं क्या एनायन, ये याद रख लेना। तो चार से कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो डोनेट होता है, ये आप ध्यान में रख लेना। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर Na प्लस, Mg प्लस प्लस, Al ट्रिपल प्लस, Zn प्लस, तो ये सब मेटल कहलाते हैं। जब भी आप देखना पॉजिटिव चार्ज होंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होगा तो उसको बोलते हैं कटायंस, और जब भी पॉजिटिव चार्ज Na प्लस, Mg प्लस, Al ट्रिपल प्लस और प्लस Zn प्लस प्लस को बोलते हैं मेटल। और मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो सारे प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा, वो डक्टाइल होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, वो सारे प्रॉपर्टी मैं कल के लेक्चर में लाऊंगा। और ये सारे बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल आपके लिए इम्पोर्टेंट था कि इन्होंने के एल एम एन सेल्स में सेल्स इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट किया और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस सेल में कितना होगा उसके बारे में कैलकुलेट करने के लिए बताया। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिससे आप आसानी से पता कर सकते हो किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है। उस फॉर्मूला क्या है 2n², ये याद रखना, और n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 जितना आप रख सकते हो। के एल एम एन सेल के बारे में बेसिकली बताया किसने, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल साहब ने। और यहाँ पर ये भी जान लेना मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी, मैंने इसको बता दिया। और चार से कम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, और जितने भी मेटल्स हैं वो मेटल्स कब कहलाते हैं, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होते हैं उन्हीं को मेटल्स कहलाते हैं, ये आप ध्यान रख लेना। 1, 2, 3 जो भी इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बोलते हैं मेटल। तो ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।